फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस। आज की मेरी रेसिपी है मैंगो मलाई सैंडविच। तो जब भी बच्चों का कुछ डिफरेंट खाने का मन हो तब आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और उन्हें खुश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मैंगो जिसे मैंने पील ऑफ कर लिया है और उसी के साथ में मैंने मलाई ली है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश मलाई यूज़ में ली है और इसी के साथ में मैंने ली है 4 टेबल स्पून शुगर और 4 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। तो सबसे पहले हम मैंगो को चॉप कर लेंगे। तो मैं इसकी हाफ साइड में इसे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको इसे क्यूब्स में कट कर लेना है और इसकी जो दूसरी साइड है उसमें से हमें इसकी स्लाइसेस निकालनी है। तो बिल्कुल पतली स्लाइसेस आपको निकालनी है और आगे मैं आपको बताऊंगी कि इन स्लाइसेस का हम क्या करने वाले हैं। तो एकदम थिन स्लाइसेस निकाल लीजिए और 3 से 4 स्लाइसेस हमें चाहिए होंगी बस। उसके बाद में हम जो मैंगो बचेगा उसे भी रफली चॉप कर लेंगे। तो जो मैंगो मैंने कट किए थे उन्हें मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ और उसी के साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई। तो यहाँ पर करीबन मैंने 1/4 कप मलाई ली है और हाफ मैंगो लिया है और इसी के साथ में इसमें ऐड कर देंगे शुगर और इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड कर लिया है मैंने और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्रीमी दिख रहा है ये। तो इसे हम अभी साइड में रख देंगे और ब्रेड स्लाइसेस को लेंगे और इन्हें डिफरेंट शेप में कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डिब्बे का कैप लिया है और इससे हम ब्रेड को कट करेंगे राउंड शेप में। तो इस शेप की अगर आपके पास में कोई कटोरी हो जिसकी शार्प एजेस हो या फिर कोई ग्लास हो उससे आप इसे कट कर सकते हैं। तो इसे प्रेस करेंगे और थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि जो ब्रेड है वो इजीली कट हो जाए और जो इसकी एजेस हैं उन्हें हम निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारी जो ब्रेड है वो कट गई है राउंड शेप में। और इसी तरीके से हम जो दूसरी ब्रेड बची है उन्हें भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने राउंड शेप में स्लाइसेस कट की हैं। अगर आप चाहें तो इसे दूसरे शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं इसे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ बच्चों के लिए, जिससे कि उन्हें इंटरेस्ट आए इसे खाने में। तो यहाँ पर जो हमने प्यूरी बनाई थी उसे हम ब्रेड के स्लाइसेस पे अप्लाई कर देंगे। तो अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए पूरी स्लाइस पे, अच्छी थिक लेयर बना दें इसके ऊपर। तो इस तरीके से मैं सभी स्लाइसेस पे अप्लाई कर दूंगी मलाई को, अच्छी थिक लेयर बनाए इसकी। तो यहाँ पर मैंने चारों ब्रेड स्लाइसेस पे मैंगो क्रीम या मैंगो मलाई अप्लाई कर दी है। अब मैं इसके बीच में रखूंगी मैंगो की स्लाइस जो हमने स्टार्टिंग में कट की थी। तो दोनों ब्रेड पर हम रख देंगे इसे। अब हम दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे। तो जैसे कि सैंडविच बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे रेडी कर रहे हैं और थोड़ा सा इसे प्रेस कर दीजिए। अब फाइनल हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मैंगो मलाई सैंडविच रेडी हैं और जो मैंगो की स्लाइसेस मैंने स्टार्टिंग में कट करके निकाली थी उससे मैंने इसके ऊपर स्माइली बना दिया है। तो इससे बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये। तो आप इसे जब भी सर्व करें उससे पहले आप इसे फ्रिज में रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। जैसा कि ये कोल्ड सैंडविच हैं तो ये ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं, तो एकदम चिल्ड कर लीजिए इसे फिर खाइए। उसके बाद में ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमारे मैंगो मलाई सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं और जब आप इसे बच्चों को देंगे तो वो फटाफट से इसे खाएंगे और शौक से खाएंगे। तो इस तरीके से आप उन्हें खिलाइए और मुझे बताइए कि आपके बच्चों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बने रहिए मेरे साथ में, मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।